काम कर रहे हैं, इसलिए आप लोग इन्हें भरपूर वेलकम कीजिए और उनके कलाम से महरूम होइए। ये रखूंगा जी, ऐसे बोल रहे थे आपकी तस्वीर हो गई सर। सर नहीं, वो माइक नहीं जा पा। मौलान साहब, आलम साहब और नीली खान से और हाजरीन, मैं बहुत दफ़ा तो नहीं मगर एक दो दफ़ा तारकनगर में आया हूँ। मैंने इतने लोगों को भी एक किसी फंक्शन में नहीं देखा। ये जाहिर करता है कि आज के हालात में ये जो इकट्ठा है ये कमजोरी का नहीं है, ये ताकत का ऐलान है। ये ऐलान है कि नाइंसाफी हिंदुस्तान में नहीं बर्दाश्त की जाएगी। हम कोई किसी से यहाँ मांगने नहीं आए हैं, हाथ हिलाने नहीं आए हैं, कोई हमदर्दी लेने नहीं आए हैं। हम इसका मुकाबला करने की चेतावनी देने आए हैं। हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेमर ने लिखा है कि हम सेकुलर हैं, सिर्फ लफज ही नहीं लिखा, इसके मायने हैं कि सेकुलर का मतलब है कि सब स्टेट की का कोई धर्म नहीं होता। लोग अपने अपने धर्म में ईमान में जो भी उनको पसंद हो वो कर रह सकते हैं, मना सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, आपस के बीच में जो हो सकते हैं, मगर सरकार का ये कहना कि कोई एक रिलीजन हिंदुस्तान में ऊंचा है ये देश के साथ गद्दारी है। ये गद्दारी है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रकार जो बोलता है वो जनता की आवाज है, उसको हमने 50 में जब करा तो उसको पालना। तो पहले मैं ये बात सफा करना चाहता हूँ, वो कोई ये समझे कि यहाँ जो हाजरीन हुए वो हम बहुत घबरा कर बैठे हैं कि क्या होगा, हमको कौन बचाएगा, ये नहीं है। मैं यहाँ से ऐलान करने आया हूँ कि तुम जो हमारे को कोई ऐसा गंदा अंसर जो है सरकार का, वो हमको अगर डराना चाहता है, घबराना चाहता है, तो तुम बड़े बेवकूफ हो, बहुत गलत फहमी में बैठे हो। हमारे में लड़ने की ताकत है और हम लड़ेंगे। हिंदुस्तान में कोई मुसलमान से ये जुड़त करे पूछने की कि आप हिंदुस्तान की पूरी वफादारी देंगे? अरे आप जानते हैं कि सबसे पहला जो किसी को अवार्ड मिला ब्रेवी का वो किसको मिला? अब्दुल मजीद को। अब्दुल मजीद को मिला था, उससे पहले ब्रिगेडियर उस्मान थे आप जानते हैं कश्मीर का, तो आजकल जो हाल है तो है। मगर अगर उस वक्त कश्मीर में जब ट्राइबल अटैक्स हुए थे, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, सड़क नहीं थी, ना ट्रक जा सकते थे, ना कुछ हो सकता था। आर्मी को भेजने के लिए सिवाय हवाई जहाज के कोई और रास्ता नहीं था। एयर ड्रोन को बचाना था ताकि हवाई जहाज वहाँ लैंड कर सके। उसका वहाँ जो एयरोड्रोम का हमारा अफसर था वो ब्रिगेडियर उस्मान था, उससे लड़ाई लड़ी, अपनी शहादत दी, तब वहाँ जाके कश्मीर में फौज पहुँच सकी। जो हुआ तो हुआ, ये ठीक है कि जो बेहतर होना चाहिए था वो नहीं हुआ, वो एक अलग मसला है। पर मैं बताना चाहता हूँ कि राइट्स ऑफ 47 हिंदुस्तान के मुसलमान ने वो कुर्बानी दी जहाँ कुर्बानी की ज़रूरत। कोई उसको ये कहे कि उसकी कुर्बानी कम है, इससे ज़्यादा वाजा चीज़ नहीं हो सकती। तो जब प्रीएम्बल में मैंने आपको कहा कि हम सेक्युलर हैं, तो जो करता है वो देश के साथ गद्दारी करता है। तो फिर आज मुल्क पे ये हवा फैलाने की जरूरत जो कर रही है सरकार,
कि हम एक हिंदू की अक्सरियत है, होगी भाई, अक्सरियत से बुर्ज नहीं बनता, अक्सरियत को भी कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में रहना पड़ता है और इसके लिए जद्दोजहद चलती रहेगी जब तक भी होगा। अभी पीछे और ये जो बहुत अपने आप को जो अजीब बात यह है कि जो हिंदू कट्टर हिंदू जो अपने आप को बहुत इससे रोल प्ले कर रहे सरकार में, वो अपने भी गुरुओं को नहीं मानते। हिंदुज्म में विवेकानंद जी का नाम हिंदू के नॉलेज में लिटरेचर में सबसे ऊंचा माना गया। अगर कोई हिंदू जो ये कट्टर हिंदू आजकल के हैं ये भी स्वामी विवेकानंद का नाम लेते हैं, तो स्वामी विवेकानंद जी ने 1883 में लिखा था कि हिंदुस्तान का भविष्य हिंदू और मुस्लिम के साथ मिलकर चल रहे हैं। और तो उन्होंने अपने उनके दोस्त थे सरफराज खान, उनको उन्होंने बोला था, लिखी चिट्ठी लिखी थी कि मैं समझता हूँ कि इस हिंदुस्तान का भविष्य और तरक्की हिंदुज्म और इस्लाम के इकट्ठा चलने से, उसके बगैर नहीं। ये उनका कह रहे हैं। तो मैं इन जो इस वक्त फिरका परस्ती फैलाने की बात करते हैं तो जैसे कहते हैं वो हमारे पंजाबी में एक फ्रेज है कि जो हमने किसी को बहुत बुरा कहना हो तो हम कहते हैं कि यार इसको जाने दो, ये अपने बाप का भी नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। यही हालत इनकी है जो इस वक्त ये फैलाना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम अलहदा है, हमारे रिलीजन अलहदा हो सकते हैं, मगर ये मुल्क हिंदू का मुस्लिम का क्रिश्चियंस का उतना ही है जितना किसी का, कोई हिंदू का इसमें ज़्यादा हक नहीं है क्योंकि ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कह चुकी है और इसमें हमको चलना और इसके बगैर हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर सकता। हम ये मीटिंग घबराहट भी नहीं कर रहे हैं, हम ये ऐलान कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो कहती है उसमें भी जो इसको भी इसको हिलाने की कोशिश करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। हम हाथ नहीं फैलाएंगे, हम हाथ नहीं फैलाएंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। अभी पीछे वो मैं उनकी तारीफ बहुत करता हूँ जिन्होंने पीछे नॉट इन माई नेम जब विनायत का वो कौ के मामले में हुआ उनकी तारीफ करता हूँ। और मैंने अपने एक आर्टिकल में लिखा था कि ये कहना काफी नहीं कि ये मैं इसमें नहीं था, मुझे हिंदू को शर्म आनी चाहिए। मैं नहीं भी था मगर मैं इस बतौर हिंदू शर्मिंदा होना चाहिए इस मुल्क में गाय के नाम पे एक बहाना बना के आप किसी का मर्डर कर सकते हैं, सहूलियत ले सकते हैं। और असलियत ये है, आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में बुल का बीफ का 5 बिलियन का ट्रेड है, उसमें से 2/3 जो है उससे ज़्यादा हिंदुओं के पास, हिंदुओं के पास वो इसमें से कमाते हैं। और आपको अगर याद हो कि वो एक एमपी है या एमएलए है यूपी के सो जिन्होंने सबसे पहले ये करा, तो अखबार में निकला कि उनके पास जो ज़मीन है वहाँ सरेंडर हाउस बना हुआ है। तो उन्होंने कहा मैंने तो सती ज़मीन पे ही थी, मुझे क्या पता क्या बनाने वाली है, पर वो भूल गए कि वो क्योंकि कंपनी थी तो कंपनी में ऑर्डर दिया जाता है कि ये ज़मीन है किसे बेची जा रही है, तो उसने लिखा था कि ये स्लॉटर हाउस के लिए बेची जा रही है। ऊपर एमपी है, एमएलए है यूपी का, इस किस्म का झूठ आज हिंदुस्तान में फैलाया जा रहा है। तो मैं आपसे सामने ये ऐलान कर रहा हूँ,
मेरा ताल्लुक, मैं